सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार रक्षा विश्वविद्यालय के निर्माण में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि 2016 में संसद में पूछे गए उनके सवाल पर सरकार का जवाब था कि चार दीवारी बनाई। अब 2022 में भी सरकार ने वही जवाब दिया कि चार दीवारी बनाई। संसद में भाजपा सरकार 2016 में जो जवाब दे रही थी वही जवाब 2022 में भी दे रही है। जवाब भी ज्यों का त्यों है और INDU गुरुग्राम का काम भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, केवल तारीख बदली है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीते 8 वर्षों में भाजपा सरकार यहां एक ईंट तक नहीं लगवा पाई। इतना ही नहीं, INDU बिल का मसौदा दिसंबर 2017 से कैबिनेट सचिवालय की मंजूरी की राह देख रहा है। उन्होंने तंज कसा कि विकास चार दीवारी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि रेल कोच फैक्ट्री, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 राष्ट्रीय संस्थानों की तरह रक्षा विश्वविद्यालय भी कहीं और न चला जाए। उन्होंने गुरुग्राम के गांव बिनोला में प्रस्तावित रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा भारत की सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था की कमियों को सामने लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया था। मई 2010 में काफी प्रयासों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस गुड़गांव में स्थापित करने को मंजूरी दिलाई गई। सितंबर 2012 में इसकी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया गया। 205 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी थी। हम जितना काम करा कर गए बस वही काम हुआ। इसके बाद केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार बन गई और उसने रक्षा विश्वविद्यालय का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस रक्षा विश्वविद्यालय के तहत डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, IIT, नेशनल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज की स्थापना की जानी थी। इस रक्षा विश्वविद्यालय के शुरू होने से सेना की सामरिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती, साथ ही इलाके का विकास होता और हरियाणा के युवाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर भी मिलते। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी बताया कि उन्होंने समय समय पर तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर परिकर और निर्मला सीतारमन से खुद मुलाकात करके इस विश्वविद्यालय का काम जल्द शुरू करने की मांग उठाई थी। ज्ञात हो कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के निर्माण के काम की प्रगति और इसके पूरा होने की जानकारी के संबंध में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में 4 अप्रैल को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। अब तक भूमि की अधिप्राप्ति, चार दीवारी परिधि मार्ग, गार्ड रूम तथा वॉच टावरों के निर्माण हेतु लगभग 176 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। यही जवाब 25 नवंबर 2016 को रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे ने लोकसभा में दिया था। अल्लाह बोल हरियाणा।